हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्या नाम है स्टूडेंट? चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कक्षा 9 में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि किसी भौतिक रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते हैं? क्यों? क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन फिर भी ऊर्जा संकट क्यों है? ऊर्जा क्या संरक्षित रहती है, लेकिन ऊर्जा संकट क्यों है? फिर क्यों हम ऊर्जा संकट के बारे में इतना सोचते हैं? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि ऊर्जा को यदि उत्पन्न किया जा सकता है, यदि ऊर्जा को यदि ना तो ये जो शब्द है थोड़ा फालतू लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे हम सीधा सीधा बता सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही वह नष्ट होती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे कहते हैं? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका स्वरूप बदलता है। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं, हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ऊर्जा की चिंता किए बिना? नहीं, ये गलत है। हमें ऊर्जा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदि हम याद करें कि हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है कक्षा 9 में, आप याद कीजिए क्या क्या आपने सीखा है, तो इस पहेली को हल किया जा सकता है। हम देखे थे कि ऊर्जा के विषय हमने क्या क्या सीखा, तो हम इस पहेली को हल कर सकते हैं कि क्या ऊर्जा नष्ट होती है, क्या उसका स्वरूप बदलता है, क्या ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, क्या ऊर्जा नष्ट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान सकेंगे। जी हाँ, ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। ऊर्जा का स्वरूप बदलता है। और कौन कौन सी ऊर्जाएं नष्ट होंगी, कौन कौन सी ऊर्जाएं नष्ट होंगी, कौन सी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, कौन सी ऊर्जा नष्ट होगी, कौन सी नष्ट नहीं होगी, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराते हैं, तो प्लेट की स्थित ऊर्जा का मार्ग फर्श से टकराने पर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी ऊंचाई से एक प्लेट को फेंकिए, मान लीजिए प्लेट है, आप इस प्लेट को यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं, जब आप यहाँ फेंकेंगे तो प्लेट क्या हो जाएगा? प्लेट 24 टुकड़ा हो जाएगा, और टुकड़ा करके क्या होगा? यहाँ कौन सी ऊर्जा थी? तो यहाँ पर थी स्थितिज ऊर्जा। इस प्लेट पे क्या थी? स्थितिज ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। अब जब टूटा तो क्या होगा? आवाज़ उत्पन्न होगी, यानी स्थिर ऊर्जा किस में परिवर्तन हुआ? स्थिर ऊर्जा का परिवर्तन हो गया ध्वनि ऊर्जा में। किस में परिवर्तन हुआ? इस ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होगा स्टूडेंट? तो ध्वनि ऊर्जा में हो गया। तो आप इतना जान गए। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया है, एक मोमबत्ती को आपने क्या कर दिया, आपने एक मोमबत्ती क्या किया है, जलाया है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक मोमबत्ती को आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? मोमबत्ती। आप क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो आप जब मोमबत्ती जलाएंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा? देखिए, मोमबत्ती जलाने पर एक तो आपको उससे गर्मी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा? एक तो गर्मी उत्पन्न होगी, दूसरा प्रकाश उत्पन्न होगा। यानी मोमबत्ती का जो, मोमबत्ती क्या है? एक प्रकार की भौतिक वस्तु है, लेकिन उसमें से क्या मिल रहा है? आपको गर्मी मिल रही है, साथ साथ आपको क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। मोमबत्ती की ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम मैं आपको बता रहा हूँ कि आइए हम मोमबत्ती पर फिर से विचार करते हैं।
आपने देखा मोमबत्ती से क्या मिला आपको, रासायनिक ऊर्जा मिला, ऊष्मा ऊर्जा मिला, प्रकाश ऊर्जा मिला, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 100 ml जल है, जल कितना है तो जल है 100 ml, जल कितना है तो जल है 100 ml, 100 ml जल है। और आपको करना क्या है, 100 ml जल को, 100 ml जल है, कितना ml जल है, 100 ml क्या है, जल, जल कितना ml है, 100 ml है। तो देखिए करना क्या है, इसको आप 75 सेल्सियस टेम्परेचर, इस जल का तापमान कितना है, 75 सेल्सियस है। आप सेल्सियस को केल्विन में बदलना जानते हैं, आप बदलेंगे तो आएगा 100 ml जल है, आप उसको कितना टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 75 सेल्सियस पे। अब करना क्या है, इसे किसी कमरे पर रख दीजिए जिसका तापमान 298 है, कितना है, 298 है। कुछ समय पश्चात क्या होगा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण लुप्त ऊष्मा को एकत्र करके जल को एक बार ठंडा हो गया तो उसे गर्म किया जा सके। तो मान लीजिए पानी गर्म है, पानी क्या है, गर्म है। अब आप इसको ऐसे समझिए, पानी क्या है, गर्म है, आपने उसको रख दिया कमरे में, कहाँ रख दिया, कमरे में। अब पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो क्या पानी को आप ऑटोमेटिक गर्म कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ठंडा हो गया, क्या आप पानी को ऑटोमेटिक गर्म कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अब नहीं क्यों, अभी तो हमने पढ़ा ऊर्जा का विनाश नहीं होता, लेकिन ऊर्जा कहाँ चली गई, तो मोमबत्ती की जो ऊर्जा थी, जो जल की ऊर्जा थी, कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई। यानी जो ऊर्जा वायुमंडल में जाएगी उसका क्या हो जाएगा, वायुमंडल में वो क्या हो जाएगी, वायुमंडल में वो विलीन हो जाएगी। यानी हमें वापस जल को वापस किसी ऊष्मा स्रोत से गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर जल गर्म होगा। किसी ऊष्मा स्रोत से आपको जल क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो जल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गर्म नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं। ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप से उपलब्ध ऊर्जा हमारे चारों वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में क्षयित हो जाती है। यानी हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा इसमें हमने क्या निष्कर्ष, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप जल को गर्म कर रहे हैं या उसको आप रख दे रहे हैं कमरे के टेम्परेचर पर, तो आप इस लाइन को देख लीजिए क्या लिखा है कि हम जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उतनी ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन हम उन ऊर्जाओं का फिर से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि चलिए ऊर्जा के बारे में आप पढ़ा, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ऐसा कौन सा सोर्स है जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। चलिए हम देखते हैं, तब फिर से किसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, दैनिक जीवन में कार्य। चलिए स्टूडेंट, तब से हम फिर किसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माने। दैनिक जीवन में आप कार्य करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी चलाने के लिए डीजल का उपयोग करते हैं, सड़कों पर लैंप जलाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं, साइकिल से विद्यालय जाने के लिए आप पेशी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं। देखिए प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुँचने तक आप जिन ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका सूची बनाइए। विभिन्न ऊर्जाओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हो ज्ञात कीजिए, क्या हम इन्हें ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं, क्यों अथवा नहीं, इस पर आप विचार कीजिए, क्रियाकलाप है आपके लिए है। चलिए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं। शारीरिक कार्यों करने के लिए हम पेशी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप शरीर से अपने काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, पेशी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। शरीर से आप काम करते तो क्या करते हैं, आप पेशी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप विद्युत का साधन चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। भोजन पकाने के लिए, वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जाओं का उपयोग होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये सभी ऊर्जाएं हमें किसी ना किसी स्रोत से प्राप्त होती है, देखिए कहीं ना कहीं से ऊर्जा हमें मिलती है। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा का प्रयोग कैसे प्राप्त किया जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का चयन करना चाहिए कि ताकि हमें ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो सके, सस्ती मिले, आसानी से मिले, पास में मिले, परिवहन सस्ता हो, इन सही बातों का हमें ध्यान रखना है। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे।
चलिए हम क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 14.2 में क्या लिखा है, उन विभिन्न विकल्पों का पहचान कीजिए, उन विभिन्न विकल्पों का पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे पास होते हैं। ठीक है, चलिए हम कौन कौन से विकल्प हमारे पास होते हैं भोजन पकाने के लिए, आप जानते हैं कई लोग लकड़ी से भोजन पकाते हैं, कई लोग गैस पर भोजन पकाते हैं, कई लोग कई बार और भी तरीके होते हैं भोजन पकाने के, सौर ऊर्जा से भोजन पकाते हैं। तो हमें दूसरे में क्या लिखा है, दूसरा लिखा है किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करने के लिए आप किन मापदंडों को विचार करेंगे, ये सब हम ही आगे देखेंगे। चलिए, क्या आपको आपकी पसंद भिन्न होगी, वन में जीवन कर रहे होते हैं, कई लोग क्या होते हैं वन में जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ लोग नई दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग पास शताब्दियों से जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं, उपयुक्त परिस्थिति में ईंधन कैसे प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब है कई लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं, कई लोग जंगलों में रह रहे हैं, कई लोग गाँव में रह रहे हैं, कई लोग दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो सबकी ईंधन की आवश्यकता अलग अलग होगी। जाहिर सी बात है जो लोग जंगलों में रहेंगे वो ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करेंगे, जो लोग जंगलों में रहते हैं वो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी का प्रयोग करेंगे, और जो लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं वो किसका प्रयोग करेंगे, गैस चूल्हे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसा शहर होता है उसी अनुरूप जैसा माहौल होता है वैसा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए उपयुक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा और ईंधन को चयन करने की आवश्यकता होती है। जैसे ईंधन को चयन करते समय क्या ध्यान रखना है, वह कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, यानी वो जितनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त करेगा उतना ही अच्छा ईंधन होगा। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लकड़ी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए और गैस चूल्हा ले लीजिए, आप देखेंगे लकड़ी को जलाएंगे ज़्यादा धुआं निकलता है और उष्मा कम होती है, उष्मा क्या होती है कम होती है, लेकिन आप गैस जलाएंगे तो धुआं क्या होगा कम होगा और ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जिसमें ऊर्जा ज़्यादा मिले उस ऊर्जा, तो हमें यह ध्यान रखना है कि ईंधन में उष्मा ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, उष्मा क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ऐसे ईंधन का आप चयन कीजिए जिससे उष्मा क्या हो ज़्यादा हो। क्या अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, अगर ईंधन ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है तो प्रदूषणकारी है, यानी ईंधन ऐसा हो जो धुआं कम दे, धुआं क्या करे कम दे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या आसानी से उपलब्ध है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, ज़्यादा भटकना ना पड़े, यानी आपको जो ईंधन है वो क्या हो आसानी से मिल जाए। जैसे आप क्या करते हैं आजकल आप करते हैं फटाक से मोबाइल पकड़ा और गैस को आपने बुक कर दिया और गैस आपका घर पर आ जाता है, मोबाइल से आप क्या करते हैं गैस क्या करते हैं बुक कर देते हैं, तो आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है उसकी। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि क्या आप ईंधन के विषय में 3 प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं, जितने भी वर्ग के ईंधन आज उपलब्ध हैं यदि हमें उनका चयन करना हो तो कौन से कारक हैं जिनके आधार पर हम ईंधन का चयन करेंगे, किसी विशेष कार्य भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन कैसे करेंगे, हमारे चयन का विकल्प सीमित कर देते हैं, क्या जिस ईंधन का चयन किया गया है वह किए जाने वाले कार्य उस पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के लिए क्या हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए ईंधन को तथा कमरे गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे, जी हाँ दोनों का स्रोत क्या होगा अलग अलग होगा। ध्यान दीजिए एक उत्तम ईंधन क्या है, अब हमें यहाँ पढ़ना है, आपको यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में उत्तम ईंधन क्या है, उत्तम ईंधन क्या है, आपको एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट, आपको बताना है उत्तम ईंधन क्या है, तो आपको बताना है कि पहला आपको क्या बताना है कि प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 किलो लकड़ी जलाने में और 1 किलो गैस जलाने में आपको ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलेगी, जाहिर सी बात है गैस में मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ईंधन आप चुनिए
जिसमें आपको कम जलाना पड़े और ज़्यादा ऊर्जा मिले, पहला ये है। दूसरा हम बात करते हैं सरलता से सुलभ हो, ये मैंने पहले बताया कि आपको ज़्यादा भटकने, पहले क्या होता था बहुत लोग लकड़ियाँ काटने जंगलों में जाते, दूर दूर जाते थे, तो आपको आपके घर के पास ही उपलब्ध हो जाए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना हो, दूसरी शर्त ये है। तीसरा है भंडारण आसानी से। देखिए लकड़ी वगैरह को आप देखते थे गाँव में एक बड़ा सा कमरा या कुछ छावनी वगैरह बना के उसके अंदर रख देते थे, बहुत बड़ी जगह लेता था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आज, आप क्या कर रहे हैं आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है आप उसको क्या कर रहे हैं, आप फटाक से अपने घर में क्या कर रहे हैं सिलेंडर को एक छोटी सी जगह में रख दे रहे हैं, यानी इधर ऐसा हो जो कम जगह घेरे। कदाचित सबसे महत्वपूर्ण सस्ता भी, जाहिर सी बात है सस्ता ईंधन मिले। आप 10 किलो लकड़ी आज खरीदने जाइए तो आपको मेरे ख्याल 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, 100 रुपया हो जाएगा, तो 10 किलो लकड़ी आप केवल 10 दिन ही जलाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि ईंधन क्या हो, सस्ता होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, प्रति एकांक द्रव्यमान कम होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। तो हो सके उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम ये टॉपिक हमारा जो है ये कल देखेंगे, आज हम केवल इतना ही देखेंगे। आप आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, आपको आंसर देना है, ठीक है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, आपको आंसर देना है। यदि आप अपने भोजन गर्म करते के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, ये भी बताना है आपको। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।